हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी, क्विक और अमेजिंग सी एंटी एजिंग डीआईवाई फेस मास्क, जिसके इंग्रेडिएंट्स अमूमन आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है इसको बनाना और इसको अप्लाई करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इसके लिए आपने लेना है 1 टेबलस्पून के लगभग ग्रीन टी लीव्स पाउडर। आप चाहें तो कोई सा भी ग्रीन टी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिप्टन का ग्रीन टी लिया हुआ है, और आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा 1 से 2 टेबलस्पून के लगभग योगर्ट यानी कि दही, और लास्टली आपको लेना है रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। सबसे पहले आपको ग्रीन टी लीव्स को एक बाउल में अच्छे से निकाल लेना है, और उसके बाद ये जो ग्रीन टी है उसमें आपको ऐड करना है अराउंड 1 से 1.5 टेबलस्पून के लगभग दही यानी कि योगर्ट, और फिर इन दोनों को अच्छे से कंबाइन कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इस मिक्सचर को मैक्सिमम 1 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। चलिए अब हम हमारे क्लेंज्ड फेस पे इसका एप्लीकेशन करते हैं, बट उससे भी पहले मेक श्योर कि आप रोज़ वाटर का यूज़ कर रहे हैं। आपको रोज़ वाटर एक कॉटन बॉल या कॉटन पैड पे लेके कुछ इस तरीके से अपनी स्किन को फर्दर क्लीन करना है। इससे जो भी सारी डर्ट होगी आपके फेस पे वो सारी कॉटन बॉल या कॉटन पैड पे आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फेस अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट आपने अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस मास्क को लगाना है। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने चीक से। आप जो भी बेस्ट फेशियल स्टेप्स होते हैं उसे ट्राई करके ये मास्क लगा सकते हैं। ग्रीन टी क्या करता है, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हुए आपकी स्किन को लाइटर बनाता है और उसे बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रखता है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी आपके स्किन से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी स्किन को प्यूरीफाई करता है, और जो भी ब्लेमिशेस होती हैं, स्पॉट्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, उनको हील करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आप इस मास्क को सिर्फ पूरे फेस पे ही नहीं, आप चाहें तो इसे अपने अंडर आइज़ में भी लगा सकते हैं। वाई? बिकॉज जो ये साइंस होते हैं एजिंग के, उनको भी डिले करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको ये फेस मास्क अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे ऐसे ही छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट बाद जब ये फेस मास्क अच्छे से सूख जाए तो आपको अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपको कर लेना है पैड ड्राई। सो फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद में हमें चलना है हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होगा मॉइस्चराइजेशन। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। आपको थोड़े से अमाउंट का जेल अपने फिंगर्स पे लेना है और फिर इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज देना है, हर डायरेक्शन में, इंक्लूडिंग आप अपना आई एरिया भी कवर कर सकते हो, बिकॉज एलोवेरा जेल बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को ओवरऑल रिपेयर करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है, और ये आपके एजिंग प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक डिले करता है। ये आपकी ओवरऑल स्किन टेक्सचर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको आप कर सकते हैं रात में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, इनके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी जो स्किन केयर की लिस्ट है, वो भी उसमें भी आपको काफ़ी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक अलग अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।